अभी आ रहा है क्या आवाज? अच्छा नो साउंड, अभी आ रहा है क्या? अभी आवाज आ रहा होगा तो थम्स अप कर दीजिएगा बस। चलो अभी क्लियर आ रहा है बोल रहे आवाज, ओके। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट चैप्टर का सिनॉप्सिस खत्म कर दिया था, बस डॉपलर इफेक्ट बचा था। मैंने बोला था आपको ट्रिक बताऊंगा इसका। चलो तो डॉपलर इफेक्ट मतलब होता क्या है? देखो अगर कोई भी आप अगर रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, आप प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन आ रही है, तो आते वक्त जो हॉर्न का फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देता है ट्रेन के, वो ट्रेन जब जा रही होती है आपसे दूर, तब भी उसका आवाज आता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है, तो वो अलग सुनाई देता है। जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनता है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, सोर्स मतलब क्या होता है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे साउंड आ रहा है, ठीक है, तो उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स, और जो हम सुन रहे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वर। तो दो चीजें होती है, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा भी होता है और जा रहा भी होता है। एक ही टेक्निक बताऊंगा आपको, एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। चलो डॉपलर इफेक्ट मतलब क्या, वो तो क्लियर हुआ आपको। देन डॉपलर इफेक्ट में ना बेसिकली तीन चीजें होती है, डॉपलर इफेक्ट में बेसिकली तीन चीजें होती है, तीन वेलोसिटी होती है बोल सकता हूं। एक होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, जिसे मैं कहूंगा वी, क्या होती है, एक होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड। और याद रखना कुछ टेक्निक्स बताऊंगा आपको इसके क्वेश्चन टैकल करने की, तो ध्यान रखना वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड हमेशा सोर्स टू ऑब्जर्वर होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है ना, सोर्स टू ऑब्जर्वर, भले ही ऑब्जर्वर किधर जा रहा है नहीं लेना देना, सोर्स किधर जा रहा है उससे भी लेना देना नहीं है, लेकिन इसका डायरेक्शन हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर तक होता है। चलो देन होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वीओ, वीओ मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। कभी ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो सकता है, कभी ऑब्जर्वर मोशन में हो सकता है, ये क्लियर हो गई चीजें आपको। देन नेक्स्ट आता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ सोर्स के बाद एक आता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, आता है वीएस, वीएस मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स मतलब जहां से साउंड आ रहा है वो। देन एन नॉट मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रॉम सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रॉम सोर्स मतलब सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी साउंड आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी। और एन कहूंगा मैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है, एन को कहूंगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी। चलो अभी इसका एक ही फॉर्मूला बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, अभी यहां पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी एन का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, एन इक्वल्स टू लिखना है सबसे पहले, तो पहले सोर्स का फ्रीक्वेंसी एन नॉट पे डिपेंड करेगा, क्लियर हो गया यहां तक। देन यहां पर है ना, ऊपर भी वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगा, नीचे भी वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगा, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए ही फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं ना। हाँ, देन ऊपर भी आएगा प्लस माइनस, नीचे भी आएगा प्लस माइनस, ओके। ये ऊपर ऑब्जर्वर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ऊपर, ऐसे याद रखो ऑब्जर्वर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और फिर सोर्स बचा है तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ये हो गया आपका डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला। एक फॉर्मूले से 8 से 10 कंडीशंस बनते हैं, आप सारे याद रख सकते हो, लेकिन प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है वो याद रखिए। देखो प्लस कब लेना है साइन और माइनस कब लेना है, अभी मुझे बताओ ऊपर कौन से दो वेलोसिटीज है, वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, क्लियर। नीचे है वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अभी अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एंटी पैरेलल है, अच्छा नीचे भी ये कंडीशन वैलिड है, अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल मतलब क्या, सिंपली ऑपोजिट डायरेक्शंस में अगर है उनका डायरेक्शन, तो हम लोग फॉर्मूले में प्लस लेंगे। या अगर पैरेलल है, पैरेलल है मतलब क्या, पैरेलल है मतलब सेम डायरेक्शन में अगर है, पैरेलल मतलब अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस लेंगे।
बस सारे केस सॉल्व हो जाएंगे। चलो समझ में आया होगा तो थम्स अप करो। समझ में आया होगा तो थम्स अप करो जल्दी से। जल्दी से हम सब कीजिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, आपको बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे इजीली सॉल्व होते हैं। यस वेरी गुड, थैंक यू, समझ में आया है। चलो तो हम लोग अभी इसके बहुत सारे केसेस होते हैं, देखो लिसनर सोर्स बहुत सारी चीजें होती है, इस पे हम लोग समय नहीं गंवाएंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे, आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं इसके। देखो और इस पे क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई होगा चीज टॉपिक तो वो होता है डॉपलर इफेक्ट और वो वेव का इक्वेशन, ठीक है, साउंड वेव का। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है व्हेन बोथ। अच्छा फॉर्मूला लिख लो साइड में, पहले फॉर्मूला लिख लो, एन इक्वल्स टू एन नॉट वी वी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। व्हेन बोथ सोर्स एंड लिसनर, दोनों भी सोर्स और लिसनर आर अप्रोचिंग ईच अदर, द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज गिवन बाय, ध्यान दो, मान लो कि ये आपका सोर्स था, ये साउंड था, मान लो इसमें से ये आपका सोर्स है, ठीक है, ये इधर मूव हो रहा है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और आपका ऑब्जर्वर मान लो आप खुद ही थे, वो भी इधर मूव हो रहा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, उसे वेलोसिटी ऑफ लिसनर कहा है, सॉरी वीएल कहा है यहाँ पर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन वेलोसिटी ऑफ साउंड को वी कहा है, साउंड का वेलोसिटी मैंने हर बार कहा आपको सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी एन नॉट रहेगा। देखो आपको फॉर्मूला तब क्यों नहीं बताया केसेस में अलग अलग, क्योंकि क्वेश्चंस में बताना ही था वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, n इक्वल्स टू n नॉट वैसे ही रहेगा, v भी वैसे ही रहेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड। अभी मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, साउंड इधर चल रहा है, ऑब्जर्वर मतलब लिसनर है हमारा वो इधर चल रहा है, एक इधर एंटी पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हुआ तो प्लस लेना वेलोसिटी ऑफ लिसनर, ओके ठीक है। देन वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ सोर्स, साउंड का वेलोसिटी इधर, सोर्स का भी वेलोसिटी इधर, पैरेलल है तो यहाँ पे माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स आएगा, खत्म। देखो एन नॉट है, ऊपर वी प्लस वी एल, वी प्लस वी एल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, वी प्लस वी एल है और ये वी माइनस वी एस, ऑप्शन नंबर ए, देखो कितना ईजी है, यस वेरी गुड, ए ऑप्शन बता रहे बच्चे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर टू आएगा, जल्दी आएगा, ठीक है। चलो बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया हो तो थम्स अप कर दीजिए जल्दी से, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हो क्या बोला है क्वेश्चन में, कंसिडर द डॉपलर इफेक्ट, वापस से डॉपलर इफेक्ट पर ही क्वेश्चन आया है, डॉपलर इफेक्ट इन टू केसेस, इन द फर्स्ट केस एन ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स, दो केसेस है ना, देखो दो केसेस है, तो पहला केस इधर सॉल्व करो, दूसरा केस इधर सॉल्व करो, ठीक है, कोई डाउट नहीं। पहले केस में ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड, ये सोर्स ऑफ साउंड था मेरा, ठीक है, जो कि स्टेशनरी था, मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना, जीरो, ठीक है। देन मेरा ऑब्जर्वर इधर आ रहा था, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वीओ, कितने स्पीड से आ रहा था ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स साउंड विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, ओके। देन क्या बोला है आगे, इन द सेकेंड केस द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट एंड द सोर्स मूव टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब अब ये सोर्स जो है ना, ये स्पीकर को मैं इधर मूव करा रहा हूं वेलोसिटी ऑफ सोर्स, यहाँ पर मेरा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जीरो रहेगा क्योंकि ये रेस्ट पर है अभी, ठीक है, कितने स्पीड से, वही सेम स्पीड से 50 मीटर पर सेकेंड से, ओके। देन द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी, ऑब्जर्वर कितना फ्रीक्वेंसी सुनेगा, ये एन नॉट क्रिएट करेगा, ये भी एन नॉट क्रिएट करेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमेशा इधर ऑब्जर्वर की तरफ होता है, बताया मैंने आपको, इधर भी सेम वेलोसिटी ऑफ साउंड। चलो यहां तक क्लियर है सब लोगों को, देखो आराम से सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी इधर n इक्वल्स टू क्या होगा, n नॉट, फॉर्मूला याद कीजिएगा, v होता है ऊपर, नीचे भी v होता है, अच्छा वेलोसिटी ऑफ साउंड तो दे रखा है 330, पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड यहां पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर,
ऑब्जर्वर इधर आ रहा था, साउंड इधर जा रहा है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब प्लस, और भाई सोर्स का वेलोसिटी तो जीरो ही है, तो यहां सिर्फ वी आएगा, ठीक है। इधर फॉर्मूला क्या आ सकता है, एन इक्वल्स टू एन नॉट, वी तो दोनों तरफ आएगा, इधर ऑब्जर्वर का वेलोसिटी जीरो है तो ऊपर कुछ नहीं आएगा वी के अलावा, नीचे सोर्स और साउंड पैरेलल है, पैरेलल पैरेलल मतलब ये हो जाएगा माइनस। चलो वैल्यूज पुट करो, देखते हैं क्या मिलता है आपको। इसे एन वन कह दो, इसे एन टू कह दो। एन वन कितना मिलता है देखते हैं, एन नॉट इन ब्रैकेट वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 प्लस ये 50 से चल रहा था डिवाइडेड बाय 330, ओके, देन इक्वल्स टू एन नॉट इन ब्रैकेट 330 प्लस 50 380 डिवाइडेड बाय 330। ये जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर आइए अभी, एन टू इक्वल्स टू एन नॉट के टर्म्स में आंसर निकालना पड़ेगा, एन नॉट का वैल्यू नहीं दिया, ये 330 है डिवाइडेड बाय 330 माइनस वीएस कितना 50, सो इट विल बी एन नॉट इन ब्रैकेट 330 डिवाइडेड बाय 280, खत्म, जीरो से जीरो कैंसिल। अभी मुझे बता, ये 38 बाय 33 है और वो 33 बाय 28 है, सॉल्व करना पड़ेगा ना, ये एन नॉट तो रहेगा ही साइड में, 31 बचा, 50 बचा तो 5 ले लो, पॉइंट दे दिया, 0 50 हो गया, वापस 1 जा बचेगा, क्लियर है। देन कितना बचा, 17 बचा, 17 मतलब 33 इंटू 5 कर दो, मतलब ये आया आपका 1.15 एन नॉट, क्लियर है क्या। देन इधर क्या करना पड़ेगा, एन टू इज इक्वल टू एन नॉट तो आएगा ही आएगा, 28 बन जा, 28 पॉइंट देना पड़ेगा, 50 हो गया, वापस 1 जा। देन इधर कितना बचा, 22 का हो जाएगा 220, 22 का हो जाएगा 220, ये हो जाएगा 7 जा, 28 7 जा, तो मतलब एन टू बड़ा है एन वन से, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हियर्ड इन सेकेंड केस इज हायर, सेम इन बोथ केसेस नहीं, मोर इन द सेकेंड केस यस देन इन द फर्स्ट केस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जरूर थोड़ा सा समय लगा है बट क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला था। चलो क्लियर हुआ होगा तो थम्सअप करो जल्दी से, वेरी गुड। जल्दी से थम्सअप कीजिएगा, बी इज आंसर, यस करेक्ट, बी इज आंसर। परफेक्ट, चलो थैंक यू, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन तो ट्रिक से ही सॉल्व हो जाएगा, देखते ही आंसर कर पाओगे। देखो द इक्वेशन ऑफ वेव इज y इक्वल्स टू, अच्छा इक्वेशन होता क्या है बेसिकली, इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस और माइनस के एक्स प्लस फाइव, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ वेव पूछा है। एक ट्रिक बता रखा था आपको, जब इक्वेशन बताया था वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, ये फॉर्मूला याद रखो। टी का कोएफिशिएंट क्या है, टी का कोएफिशिएंट है 12 पाई और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 0.02 पाई। देखो यार पाई से पाई कैंसिल, ये दो जीरो दो डिसिमल है तो ये हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी 600 मीटर पर सेकेंड। कितना 20 सेकेंड्स लगेगा हार्डली, 600 मीटर पर सेकेंड। बच्चे क्या करेंगे पता है बच्चे, और दूसरा सोल्यूशन बताता हूं जिसमें बच्चे जाते v इज इक्वल टू करेंगे n लैम्बडा, देन n निकालते बैठेंगे कंपेयर करके, करोगे कंपेयर, देन लैम्बडा निकालोगे कंपेयर करके, एक मिनट चला गया, आगे आधा मिनट तो लगेगा कैलकुलेशन में, यही आंसर मिलता है। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव रिप्रेजेंटेड बाय, देखो इक्वेशन पे वापस से क्वेश्चन आया, वही बोल रहा था इक्वेशंस भी इंपॉर्टेंट है। y इक्वल्स टू दिया है a साइन ऑफ 100 पाई t प्लस 3x, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द वेव एट अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 3, मतलब दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मतलब x निकालना है, फेज डिफरेंस दे रखा है, डेल्टा phi इक्वल्स टू होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x, भाई डेल्टा फाइव बोल रहा है पाई बाय थ्री है, टू पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स निकालना है, लैम्डा चाहिए ना, लैम्डा उसके लिए,
लैम्बडा कैसे निकलेगा? सर इसे कंपेयर कर लो, y इज इक्वल्स टू ए, इक्वेशन अगर लर्न होना तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ओमेगा टी प्लस के एक्स, वेयर के इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको 3, और ये k का फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्बडा भी होता है, तो लैम्बडा आपको मिलेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। क्या मिलेगा लैम्बडा? 2 पाई बाय 3, पुट कर दो ना, पाई बाय 3 ऐसे ही रहेगा, ये 2 पाई ऐसे ही लैम्बडा का वैल्यू मिला 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट, 2 पाई 2 पाई कैंसिल, इनटू डेल्टा एक्स बचा, ये 3 ऊपर चला गया, 3 ऊपर चला गया, अच्छा सॉरी लैम्बडा इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3, यस करेक्ट, देन हाँ ये 3 ऊपर चला गया, पाई बाय 3 इज इक्वल टू यहाँ पे बचा 3 इंटू डेल्टा एक्स, तो यार डेल्टा एक्स मिल गया, 3 इधर मैं ऊपर था इधर नीचे, पाई डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 9, हो गया आपका आंसर डेल्टा इक्वल टू पाई बाय 9 मीटर। वापस ऑप्शन नंबर बी, चलो समझ में आया है क्या ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? ये फॉर्मूला हमारा वेव ऑप्टिक्स में भी था और इस चैप्टर में भी था। किस चीज का फॉर्मूला है ये? हमारा फॉर्मूला है फेज डिफरेंस का। ये फॉर्मूला हमारा है फेज डिफरेंस का, क्लियर हुआ? यस वेरी गुड, बी ऑप्शन करेक्ट। चलो बढ़ते हैं आगे, क्या बोल रहा है आगे? अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स फॉर्म्स अ स्टैंडिंग वेव विद अ नोड सेपरेशन। नोड सेपरेशन का मतलब क्या होता है? नोड सेपरेशन मतलब नोड नोड के बीच में डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 होता है, वो बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, तो लैम्बडा हो जाएगा मेरे भाई 10 सेंटीमीटर। ओके, इफ द वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज 2 मीटर पर सेकेंड, ओके, देन पूछा है फ्रीक्वेंसी, v इक्वल्स टू क्या होता है? n लैम्बडा होता है सर, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v बाय लैम्बडा। अरे लेकिन लैम्बडा का प्रॉब्लम है कि ये सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट कर लो इसको, हो गया सर मीटर में, वेलोसिटी 2, लैम्बडा 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 2, 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 2, 10 रेस टू माइनस 1 ऊपर चला जाएगा प्लस 1, इट विल बी 20 हर्ट्ज, खत्म। इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं और बच्चे बोलते हैं 11th का सिलेबस स्किप कर सकते हैं क्या सर? भाई हार्डली 20 सेकंड लगेंगे आपको अगर फॉर्मूलाज वगैरह सारे पता है याद से, तो ये फॉर्मूला मैंने बताया है, क्लियर है? क्लियर हो गया? मजा आ रहा होगा तो थम्स अप करो जल्दी से, वीडियो को लाइक करो यार, लाइक नहीं करते वीडियो को बच्चे। चलो बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्या बोल रहा है देखो इस क्वेश्चन में, आराम से पढ़िएगा। अ कार साउंडिंग अ हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, एक कार है जो कि फ्रीक्वेंसी साउंड कर रहा है 1000 हर्ट्ज का, ठीक है, देन पासेस अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अच्छा ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर से पास हो रहा है, मतलब ये जो मेरा ऑब्जर्वर था ना, ये ऑब्जर्वर का वेलोसिटी 0 था लेकिन ये ऐसे जा रहा था, ठीक है, एन नॉट है ये बेसिकली। फ्रीक्वेंसीज ऑफ द हॉर्न नोटेड बाय ऑब्जर्वर बिफोर एंड आफ्टर, मान लो ये जब आ रहा था तब अलग फ्रीक्वेंसी होगा, जा रहा होगा तब अलग फ्रीक्वेंसी होगा, लेकिन इसका एन नॉट तो फिक्स रहेगा जो कि 1000 हर्ट्ज है। पहले इसको जो सुनाई दिया मान लो एन वन आते वक्त, और जाते वक्त सुनाई दिया एन टू, उसी का रेशियो दिया है एन वन और एन टू का, एन वन और एन टू का रेशियो दिया है 11:9, ठीक है। If the speed of sound is v, the speed of car is, ये कार है, अच्छा मैंने स्पीकर बना दिया है, कार बना देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार बना देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका वेलोसिटी था vs, वेलोसिटी ऑफ सोर्स मानते हैं हम लोग vs। अच्छा साउंड का वेलोसिटी कितना होता है? साउंड का वेलोसिटी v है, तो दो कैसे सॉल्व करने पड़ेंगे, देन n1 by n2 दिया है, तो क्वेश्चन पढ़ते ही क्लिक होना चाहिए कि उसका रेशियो लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, उसका रेशियो लेना पड़ेगा हमें। तो चलो ध्यान दो, केस वन,
केस वन में फ्रीक्वेंसी एन वन रहेगा जो कि रहेगा एन नॉट, वी इधर भी रहेगा, वी इधर भी रहेगा, ऑब्जर्वर जीरो पे है तो ऊपर वाला टर्म तो बस वी आएगा। नीचे ध्यान दो, अभी वेलोसिटी ऑफ सोर्स पे साउंड तो ऐसे ही आना होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड वी ही आना होगा, तो ये पैरेलल है तो माइनस वी एस आ जाएगा। बस इसी पे इसका कॉन्सेप्ट है, बाकी तो बस कैलकुलेशन का खेल है पूरा। एन नॉट ऊपर सिर्फ वी आएगा, नीचे आएगा वी। अभी इधर साउंड इधर आएगा मेरे भाई, लेफ्ट में कैसे आएगा सर, गाड़ी तो राइट में जा रही है। अरे साउंड तो हमेशा ऑब्जर्वर को सुनाई देगा, ट्रेन भले ही आगे जा रही हो आपसे दूर जा रही हो, हॉर्न तो सुनाई देगा ना आपको कि उधर के ही आदमी को सुनाई देगा। हाँ देगा तो सही सर, तो ये प्लस क्योंकि ये एंटी पैरेलल है, प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, बस खत्म। एन वन एन टू का रेशियो ले लो, एन वन डिवाइडेड बाय एन टू, चलो ले लेते हैं रेशियो एन नॉट वी डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस। ये एन वन का फॉर्मूला, एन नॉट इन ब्रैकेट वी डिवाइडेड बाय वी प्लस वी एस। चलो एन नॉट कैंसल, वी वी कैंसल, एन वन बाय एन टू दिया है 11/9, ये ऊपर चला जाएगा वी प्लस वी एस और नीचे बचेगा वी माइनस वी एस। जो वी एस निकालना है आप लोगों को उसका इन टर्म्स ऑफ वी आंसर बताना है क्योंकि वी के ही टर्म्स में है ना, तो चलो सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 11 इंटू वी माइनस 11 इंटू वी एस इज इक्वल टू 9V प्लस 9VS। क्लियर है यहां तक? कुछ नहीं, V वाला टर्म इधर लेके आ जाओ, 11V माइनस 9V इज इक्वल टू 9VS प्लस 11VS, ये हो जाएगा 2V इज इक्वल टू 20VS, सो इट विल बी 2 × 2, ये 10, आपको वेलोसिटी ऑफ सोर्स मिल गया V बाय 10। सिंपल था, मजा आया होगा तो बस थम्स अप कर दीजिएगा। समझ में आया है क्वेश्चन जल्दी से? फॉर्मूला अभी ये ऑब्जर्वर पास हो रहा है, सोर्स से साउंड आ रहा है, फ्रीक्वेंसी तो ये डॉपलर इफेक्ट में ही आता है, और इक्वेशन वाला अगर क्वेश्चन हो तो और इजी हो जाता है साउंड में। समझ में आया? हाँ कर लीजिएगा, जेई का कट ऑफ क्लियर हो जाए तो सीईटी की तैयारी करो, क्या कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? बड़े आगे अगले क्वेश्चन पर। यस सर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है देखो, अ ट्रांसवर्स वेव इन अ मीडियम इज गिवन बाय वाई इक्वल टू ए साइन ऑफ 2π, साइन ऑफ 2π इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स, इट इज फाउंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा क्वेश्चन ही नहीं है यार पूरा, रुको एक मिनट क्वेश्चन ढूंढने दो। उसने बोला है इट इज फाउंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2 times वेव वेलोसिटी। फाइंड द एम्पलीट्यूड, ए फाइंड करना है ऐसे बोला है। चलो चलेगा। देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलग चीज होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो बोल रहा है 2 times ऑफ वेव वेलोसिटी है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं चलने दीजिएगा। देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कहां से निकलता है? सर बेटा ऑसिलेशन पढ़े, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन में SHM में मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमें मिलता है मीन पोजीशन के ऊपर, मीन पोजीशन के ऊपर मिलता है विच इज ए ओमेगा। सर यहां पर ऑसिलेशन कहां से बीच में आया? अरे भाई वेव में पार्टिकल ऐसे ही तो ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी तो मीन पोजीशन पर ही आएगा ना। क्लियर? मीन पोजीशन पर ही आएगा ना। हाँ तो ये हो गया ए ओमेगा। क्लियर? ये क्या हो गया? ए ओमेगा। कोई डाउट नहीं यहां तक? अभी ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे ए ओमेगा तो आता है बट कब? जब इक्वेशन वगैरह दिए हुए हो वैसे तो, ठीक है। अभी इसमें इक्वेशन क्या दिया है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2π इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स,
क्लियर। अभी इसका डेरिवेटिव ले लो dy by dt, तो आपको ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देगा। क्या देगा, a वैसे ही रखो, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, cos 2 pi omega t minus kx, इसका अगेन डेरिवेटिव लो, बाहर आएगा 2 pi और ओमेगा भी आएगा, ये सिंपल सा चीज है। तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इधर a ओमेगा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 pi a ओमेगा मिलेगा। क्लियर हो गया, तो चलो पुट कर दो, 2 pi a ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू वेव वेलोसिटी कितना है, इक्वल्स टू वेव वेलोसिटी बोला है, टू टाइम्स नहीं बोला है, इक्वल्स टू पार्टिकल इज इक्वल टू, इज इक्वल्स टू वेव वेलोसिटी, मतलब क्या, सिंपली वी ओमेगा, वी ओमेगा मतलब क्या होता है, ओमेगा डिवाइडेड बाय के होता है। हाँ, तो इसे सॉल्व कर लो, ओमेगा ओमेगा कैंसल, ए इज इक्वल्स टू आपको मिला 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू के, के मतलब होता है 2 पाई बाय लैम्बडा, 2 पाई इंटू 2 पाई बाय लैम्बडा, लैम्बडा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर, इससे मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर डी, जहां पे यहां स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, स्क्वायर प्रिंटिंग मिस्टेक है, लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया होगा तो थम्स अप करो जल्दी से। समझ में आया है, भाई अभी इधर ध्यान दो, हाँ पॉसिबल है जेई स्टूडेंट्स को सीईटी में हाई स्कोर करना, पॉसिबल है, चलो आगे क्या बोल रहा है देखो, टू प्रोग्रेसिव वेव्स आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर विद अ वेलोसिटी, अच्छा दो प्रोग्रेसिव वेव, वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज, इसके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, निकालने क्या बोला है भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड निकालने बोला है। चलो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन नोड्स होता कितना है, लैम्बडा बाय टू होता है ना, तो लैम्बडा निकालना पड़ेगा पहले, लैम्बडा कैसे निकालेंगे, पता है v इज इक्वल टू होता है एन लैम्बडा, तो लैम्बडा इक्वल टू हो जाएगा v बाय एन, v कितना दिया है 550, n कितना दिया है 200, सो इट विल बी 1 बाय 4, पुट कर दो यहाँ पे 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 2 आपको मिलेगा 1 बाय 8, और 1 बाय 8 को सॉल्व करते हो 0.125 मीटर, इतना इजी क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नोड नोड के बीच का डिस्टेंस, नोड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस। क्लियर, ठीक है, स्पैम मत करो, ब्लॉक कर दिए जाओगे, टीम बैठी है कमेंट्स पढ़ रही है, ठीक है ब्लॉक कर दिए जाओगे। चलो वीडियो को लाइक करो यार जल्दी से, यस डी इज करेक्ट, सॉरी ए इज करेक्ट। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्या बोल रहा है अभी अगले क्वेश्चन में देखो, अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का साउंड क्रिएट किया गया, इज इमिटेड फ्रॉम द स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, ओके द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, देन कंप्लीटिंग 180 वाइब्रेशंस, कितने वाइब्रेशन किए, 180 वाइब्रेशन किए, अच्छा डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इज, सबसे पहले बताओ एक वाइब्रेशन मतलब कितना होता है, एक वाइब्रेशन मतलब ये ऐसे होता है, ये एक वाइब्रेशन हो गया, ऐसे कितने वाइब्रेशंस किए, ऐसे 180 वाइब्रेशंस किए, एक वाइब्रेशन में लैम्बडा डिस्टेंस चलता है, ठीक है, उसने पूछा है कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा, अभी मुझे बताइए, ध्यान दीजिएगा यहां पर अच्छे से,
डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन 180 वाइब्रेशंस, एक वाइब्रेशन में कितना कवर हुआ वो निकाल लीजिए, उसको 180 इंटू लैम्बडा कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। लैम्बडा कैसे निकाले, v और n दिया है ना भाई, वापस से v इक्वल्स टू n लैम्बडा, लैम्बडा इक्वल्स टू v बाय n मतलब 320 बाय 480, मेरे भाई जीरो से जीरो कैंसिल, 16 टू जा 32, 16 थ्री जा 48, 2 बाय 3 मीटर्स पुट कर दो, 2 बाय 3, 3 वन जा 3 ये 60, 60 टू जा 120, इतना इजी क्वेश्चन था, 120 मीटर कितना हुआ, 120 मीटर, इतना इजी क्वेश्चन था। चलो क्लियर हुआ क्या, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, वही बोल रहा हूं। चलो बढ़ते हैं आगे, क्या बोला है देखो, वापस इक्वेशन पर क्वेश्चन आया है, समझो कितना इंपॉर्टेंस है। इक्वेशन क्या दिया है, y इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ, याद रखना t के साथ हमेशा ओमेगा होता है और x के साथ हमेशा k होता है, और क्या बोल रहा है वो, वेयर x इज इन मीटर t इज इन सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ वेव इज, वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी यार इससे इजी क्या, वेलोसिटी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, यही ट्रिक याद रखो। अरे यार ये क्वेश्चन तो सॉल्व किया हुआ है शायद से, नहीं है, 10 पाई डिवाइडेड बाय 0.02 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये 10 ऊपर दो जीरो दे देगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड इज करेक्ट आंसर, हार्डली 20 सेकेंड लगेंगे इसे सॉल्व करने में। सात तारीख को बुक ऑर्डर की थी, 7 to 8 days लगते हैं बुक को आने में, 7 to 8 days, अभी अभी नहीं हुए, 5 ही दिन हुए आपको, 2-3 दिन में आपको मिल जाएगी जल्दी बुक। चलो बड़े आगे, बढ़ते आगे, हाँ चलो क्या बोल रहा है देखो, टू साउंडिंग सोर्सेस सेंड वेव्स एट अ सर्टेन टेम्परेचर इन अ एयर ऑफ वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर एंड 50.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्सेस डिफर बाय 6 हर्ट्ज, दो सोर्सेस थे ना, दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफर कर रहा है n1 माइनस n2 कितने से, 6 हर्ट्ज से, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट सेम टेम्परेचर, मुझे बताओ n इक्वल्स टू क्या होता है, v बाय लैम्बडा, करेक्ट, तो यहां पे n1 माइनस n2 पे जा आएगा v by lambda 1 minus v by lambda 2, इसे क्यों हो रहा है पता है, v तो v1 v2 नहीं आएगा, velocity of sound same रहेगा, हो गया 6 equals to v divided by in bracket 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 2, बस problem क्या है पता है आपको, option meter per second में और ये centimeter में, तो last में हमारा जो भी answer आएगा वो centimeter per second में आएगा, उसको हमें meter per second में convert करना पड़ेगा, 6 is equals to v इन ब्रैकेट 1 बाय लैम्बडा 1, लैम्बडा 1 कितना है 50 माइनस 1 बाय लैम्बडा 2 50.5, चलो इसको कैलकुलेशन में ही आपको प्रॉब्लम जा सकता है, बाकी तो क्वेश्चन इजी है, देखो v इन ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो 50.5 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50.5 इनटू 50, अभी ध्यान दो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, ये 0 और ये पॉइंट कैंसिल आउट कर दो, इधर बचा 6 इक्वल्स टू v, ऊपर बचेगा 0.5 माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय 505 इनटू 5, ये 5 से 5 कैंसिल, यहां पे 0.1 बचेगा, v चाहिए ना, तो v चाहिए, तो v हो जाएगा 6 इनटू 505 डिवाइडेड बाय 0.1, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 33, 0 6 5 जा 33, और ये ऊपर एक 0 आ जाएगा, ये आपका आया सेंटीमीटर पर सेकंड में, इसको मीटर पर सेकंड कर दीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा 303 मीटर पर सेकंड,
303 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यस बी ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बड़े आगे, देखो क्या बोल रहा है, सिलेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, नहीं ये तो ट्रू है, ट्रू है, हमें फॉल्स चाहिए, गलत। मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी स्टेटमेंट रॉन्ग है। देन देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यस करेक्ट, और ये ट्रांसवर्स होते हैं नेचर में, ये भी करेक्ट है। चलो मतलब ए सी और डी करेक्ट थे, इसलिए हमें गलत निकालना था, तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा हमारा। चलो क्लियर है, यस बी इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं देखो, अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पैसेंजर इज सिटिंग इन अ ट्रेन विच इज मूविंग फास्ट, द इंजिन ऑफ द ट्रेन ब्लोज अ व्हिसल ऑफ फ्रीक्वेंसी एन, द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हियर्ड बाय पैसेंजर इज एफ। मतलब आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन आ रही है तो अलग फ्रीक्वेंसी, जा रही है तो अलग फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये केस है ही नहीं, केस अलग है, आप ट्रेन के अंदर ही बैठे हो, मान लो गाड़ी में बैठे हो, हॉर्न बजा रहे हो, जो हॉर्न का फ्रीक्वेंसी वही सुनाई देगा ना मेरे भाई, वही पे आप ही सोर्स के साथ बैठे हो ना, तो एफ इक्वल्स टू एन। पढ़ते ही 5 सेकेंड में आंसर करेगा आप लोग, अगर आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। देखो यार ट्रिक्स भी बताए जा रहे हैं, फिर भी बच्चे लाइक नहीं कर रहे वीडियो को, ट्रिक्स बता रहे हैं, शॉर्टकट्स बता रहे हैं, फॉर्मुलेज याद रखने के लिए आपको, सेशन को शेयर करो, बस इतना ही कहना है। चलो अ ट्रांसवर्स वेव स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ वॉल, वॉल मतलब फिक्स्ड होता है सरफेस, फिक्स्ड सरफेस पर जब भी वॉल स्ट्राइक करता है, क्रेस्ट रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ, ऐसे नहीं होता एक्चुअल में, वेव अच्छे से बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है समझ लो। हाँ क्रेस्ट आएगा तो ये क्रेस्ट ट्रफ से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ये आने वाली वेव, ये जाने वाली वेव, और क्रेस्ट और ट्रफ में कितना डिफरेंस होता है एंगल का, 180 डिग्री मतलब पाई, इट्स फेस चेंजेस बाय पाई बट वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी चेंज ही नहीं होता है, वेलोसिटी चेंज होता ही नहीं है, बस फेस चेंज होता है, ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा तो थम्सअप करो जल्दी से। क्लियर, ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग लास्ट। द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज, इक्वेशन दिया हुआ है वाई इक्वल टू ए साइन ऑफ 2π, इधर दिया हुआ है, अंदर दिया हुआ है एनटी माइनस एक्स बाय 5, ओके, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी, ध्यान देना, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देना 2πnt माइनस 2πx डिवाइडेड बाय 5 हो जाता है, देन वेलोसिटी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी वीपी मैक्स और वेव वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, तो वीपी मैक्स अलग से निकालो, वेव वेलोसिटी अलग से निकालो। सबसे पहली बात, वीपी मैक्स कितना होता है, वीपी मैक्स ए ओमेगा होता है, जनरल इक्वेशन के लिए सॉल्व करके देख लेना,
वी ओमेगा कितना होता है, वी ओमेगा तो कोइफिशियंट लेते हैं ना सर हम लोग, कोइफिशियंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय हम लोग लेते हैं कोइफिशियंट ऑफ एक्स। हाँ ये सिंपल सा चीज यूज करते हैं, कोइफिशियंट ऑफ टी कितना है इसमें 2πn, कोइफिशियंट ऑफ एक्स कितना है 2π/5, 2π 2π कैंसिल, ये 5 ऊपर चला जाएगा 5n मिलेगा, क्लियर। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा डिवाइडेड बाय 5n, ए को ए ही रखो स्मॉल ए लिया है, ओमेगा को 2πn पुट करो डिवाइडेड बाय 5n, ये कैंसिल 2πa डिवाइडेड बाय 5, 2πa डिवाइडेड बाय 5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो मजा आया, समझ में आया, नहीं आविष्कार सॉन्ग गलत नहीं पढ़ा रहे, चलो क्लियर हुआ। चलो मजा आया होगा इस लेक्चर में तो थम्स अप कर दो, वीडियो को लाइक करो, आज यही रुकेंगे हम लोग, मिलेंगे अगले लेक्चर में। ऑप्शन कैसे नहीं दिख रहे यार, दिख तो रहे, ओके वेरी गुड। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, यही रुकेंगे, उम्मीद है मजा आया है आपको लेक्चर में, परफेक्ट, थैंक यू। ओ सर, मिलेंगे अगले लेक्चर में, टिल देन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। चलो सर आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, थैंक यू संदीप। मजा आ गया सर, ओके चलो।